बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन देने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड राजस्थान सरकार ने तोड़ दिए। गांव में आज भी बिजली नहीं पहुंच पा रही है, सारे रास्ते अवरुद्ध हो गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सरकार के दावे खोखले। राजस्थान में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। इनके दावों की कहीं न कहीं पोल खुल रही है। सरकार के पास जब कोई बात पहुंचानी है तो उनको कुर्सी बचाने और भ्रष्टाचार के अलावा कोई बात सूझती नहीं है। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राज्यसभा सांसद की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो आप प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की स्थिति को समझ सकते हैं। आज ज्ञापन देकर आमजन की बात को महामहिम तक पहुंचाया गया है। धरने पे बैठना पड़े और उनकी भी एफआईआर लॉज नहीं हो तो राजस्थान में आम जन की क्या स्थिति है। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड राजस्थान की सरकार ने तोड़ दिए। आपदा प्रबंधन फेल, वहां के लोगों की जनहानि हो गई। गांव में आज भी 60 गांव में बिजली नहीं पहुंच रही है, गांव के रास्ते अवरुद्ध हो गए। तो कहां इनके कहीं कहीं दावों की पोल खुलती है। महिला अत्याचार, दलित अत्याचार में राजस्थान देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, रक्षक के भक्षक बनने जा रहे हैं। तो इससे लगता है कि कहीं कहीं है, और जब सरकार के पास कोई बात पहुंचती है तो उनको तो सिर्फ कुर्सी बचाना और भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम दिखता नहीं। तो ऐसे में एक प्रतिनिधि मंडल आज महामहिम राज्यपाल महोदय को अपनी बात, अपनी गुहार पहुंचा के आए। राजस्थान के आम जन के दर्द को, युवा के दर्द को, किसान के दर्द को, दलित के दर्द को, महिला के दर्द को, आम जन के दर्द की बात माननीय महामहिम महोदय को पहुंचा के आए। आंदोलन और इसके अलावा ब्लैक पेपर भी पार्टी जारी करनी है। देखिए, निश्चित रूप से आगे आगे देखिए, अभी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष का उनका क्या सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का इस माह चल रहा है। इस कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से सरकार को सड़क से लेकर विधानसभा तक गिरने का काम। कितने सांसद थे सर वहाँ पे, कितने सांसद रहे? देखिए, एक प्रतिनिधि मंडल जो हमने बुलाया है, जो अलग अलग क्षेत्रों के इश्यूज को लेकर, जिनके उस क्षेत्रों की समस्या थी, वो सभी लगभग सभी माननीय विधायक और सांसद उपस्थित रहे।